हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं अभी इसी समय। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे चैनल को। तो अब देखने वाले हैं, और एंड में गाइज मुझे बताया जा रहा है कि हम म्यूजिक से भी मैसेजेस कुछ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन सिंगल है तो वो अभी आपके बारे में इसी समय क्या सोच रही है, ठीक है? फीलिंग के लिए मैं अलग ही डेक यूज करने वाली हूँ, फीलिंग के लिए एक ही डेक दोनों के लिए यूज करने वाली हूँ, और थिंकिंग के लिए अलग डेक। तो थिंकिंग सिंगल वालों की हो गई है, अभी कमिटेड वालों की देखेंगे कि अगर आपके डीएम कमिटेड है तो अभी इसी समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टू ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। तो सिंगल वाले आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं ये सोच रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं, पर आप दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट हो। तो आप दोनों कैसे जी पाओगे? आप वो दिन है तो आप रात हो, ऐसे हो आप लोग बिल्कुल भी मतलब मैच नहीं होते आप लोगों के थॉट्स, फीलिंग्स। और मैं आपको बता दूं, डीएम को कॉमन थिंकिंग वाले लोग ही अपने करीब ज्यादा पसंद होते हैं, तो वो आपको बस प्यार करने लग गए, लेकिन ये रीजन नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों प्यार करने लग गए हैं, बिकॉज कुछ सिमिलैरिटीज है ही नहीं आप में। उनको ऐसा लगता है कि एक फिजिकल कनेक्शन है जहाँ पे बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जीज है, और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो सकते हो, उनकी ड्रीम गर्ल टाइप्स हो सकते हो। इस वजह से जो है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बट अगर आपके साथ जिंदगी बिताने की बात आती है तो आप दोनों बहुत ही अपोजिट हो, और कहीं ना कहीं ये भी उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज से। तो वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि मैं तो इसको खैर डिजर्व भी नहीं करता, तो हम ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। इस कनेक्शन में फायर है, पैशन है, अट्रैक्शन है, यही इनकी थिंकिंग है कि भाई उनको ऐसा लगता है फिलहाल के लिए ठीक है, ये मेरे प्यार प्यार में हम लोग एक दूसरे की बातें सुन ले रहे हैं और कर रहे हैं फॉलो, जी हाँ चल रहा है यहाँ पे। बट रियलिटी में ये ऐसा नहीं है, ठीक है? रियलिटी में शादी वादी हम लोगों के बीच टिकेगी नहीं, ये मेरे माँ बाप और मेरे घर वालों के बीच रह नहीं पाएगी, ये जो माहौल है इसके लिए सूटेबल नहीं है। ऐसी राजकुमारी को अपने घर ले आना सही बात नहीं है, उसको डिस्कम्फर्ट में डालना ना ही हमारी सोच मिलती है, तो इतने एफर्ट्स ही क्यों डालने इस कनेक्शन पे। तो ये सब उनकी थिंकिंग में आ रहा है। अगर फीलिंग की बात करें तो फील क्या कर रहे हैं आपके डीएम अभी इस समय आपके बारे में? कहीं ना कहीं आपके डीएम को ऐसा लग रहा है कि वो आपको हार्ट ब्रेक कर देंगे, धोखा दे देंगे, और या वो हार्ट ब्रोकन हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और आप बहुत ज्यादा एंजल ऑफ लव हो सकते हो, लेकिन आपके साथ ये रिलेशनशिप उनको काट देना चाहिए। यही अभी की फीलिंग है उनकी कि आप लोगों को दूसरे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का एक मौका तो देना ही चाहिए, कि मतलब ऐसी प्यारी लड़की को मैं बांध के नहीं रख सकता, उसको एक मौका मिलना ही चाहिए कि वो अपना जो है सच्चा प्यार कहीं और ढूंढ पाए, और मुझे इसको जाने देना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको यही लगता है आपके बारे में, फीलिंग्स में सिंगल वालों के यही है कि मैं डिजर्व नहीं करता ऐसी लड़की, और अगर नहीं डिजर्व करता तो रखनी भी नहीं चाहिए, ठीक है? अब अगर हम लोग देखेंगे कमिटेड वाले क्या सोच रहे हैं इस समय पर, ये काफी ट्रिगरिंग रीडिंग है मैं जानती हूँ। वो तो आपके लिए ऑब्सेस कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे भी देख रहे हैं, जब जहां आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जा रहा है, लीप ऑफ फेथ लेने के बारे में सोच रहे हैं वो। उनको ऐसे लग रहा है कि जहां मैं फंसा हुआ तो फंसा हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे एक पैर इसके साथ अटका के रखना चाहिए, ऐसे इसको लेट गो नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा नाराज है वो आपसे, लेकिन एक उम्मीद भी है कि प्यार सच्चा है, कनेक्शन सच्चा है,
तो वर्कआउट कर भी जाएगा और आप उनके 10 of cups हो सकते हो। आप कितने लविंग हो, केयरिंग हो, आप उनकी वाइफ बन या हस्बैंड बनने लायक हो, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करा जा सकता है। लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अभी भी उससे डर रहे हैं, इसलिए स्लो स्लो है, वो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, नाराज तो बहुत ही है, इसलिए वो सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं और कुछ फिजिकल एक्टिविटी दिखाई नहीं रहे हैं। लेकिन होप्स इस कनेक्शन के लिए बहुत ज्यादा है आपके पर्सन को। आपको 20 दिखाई देंगे जब आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाहेंगे। ठीक है, आपके आसपास मक्खियां घूमेंगी। हाँ चलिए गाइस, देखते क्या फील कर रहे हैं। फील द केयरिंग कनेक्शंस। उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाओगे उनसे? आपको बहुत ज्यादा, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप उनसे एकदम प्यार करते हो और वो कैसे है ईगो से ऑपरेट करते हैं, वो अपनी गलतियां देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उन्होंने आपको कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया, इसलिए आप उनके जिंदगी से जाते दिख रहे हो, इंजॉय करते दिख रहे हो, आप उनके बिना जीना सीख गए हो। ये सब ही उनकी फीलिंग्स में है गाइज। अभी जो हम करने वाले हैं इस मैसेजेस म्यूजिक में लेंगे, चाहे सिंगल हो चाहे कमिटेड हो, आपके डीएम का एक ही गाना होगा, आज के कलेक्टिव डीएम का एक ही गाना होगा, तो वो गाना हम ले लेते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है गाइस, तो गाना ले लेते हैं। क्या गाना देना चाहते हैं आज आपके डिवाइन मैस्कुलिन? आपको दो गाने हैं, ठीक है, तो दोनों गाने ले लेती हूँ क्योंकि हम लोग कलेक्टिव ले रहे हैं। अपना नाम बदल दूँ या तेरा नाम छुपा लूँ, या छोड़ के सारी आग मैं वैराग उठा लूँ, बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, मैं तेरा मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, सब यही है, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क। कहीं ना कहीं ये पैराग्राफ मैंने इजीली उठाया क्योंकि आपके पर्सन को ना आपका प्यार कुछ अधिक ही ज़्यादा प्यार हो गया है, ऑब्सेशन हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस आप दोनों एक ही हो और ये प्यार एकदम सच्चा है। और बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को जैसे बताया, ये कमिटेड वालों की रीडिंग है के लिए गाना है। आ रही है तेरी यादें, दिल मेरा फिर बेकरार है, तुम मिलोगी हाँ मिलोगी, दिल को मेरे एतबार है, खुली है ये बाहें देखे ये निकाहे रास्ता तेरा, ज़रा मुस्कुरा के फिर से दिखा दे वही अदा, या तो मेरी यादों में आओ ना। यहाँ पे आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और ये मुझे गाना जो है सिंगल वालों के लिए दिखाई दे रहा है वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि मैं इसको जाने भी दूंगा तो अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे वापस से मिल जाएगी वो, इसलिए उन्होंने बोला ना कि वो आपको और अपॉर्चुनिटीज देने के लिए छोड़ देना चाहते हैं, और जब अगर आप वापस आ गए इनके पास तो तब देखी जाएगी। तो आज के लिए गाइज इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।